सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो फाइनली एक और वीडियो लेके आ चुका हूँ मैं पोको X2 के लिए। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ओक्टावी OS वर्जन 2.8 रोम के बारे में, और साथ ही साथ मैं बात करने वाला हूँ रेडक्लिफ कर्नल वर्जन 2.13 के बारे में। तो ये फाइनली दोनों अपडेट्स आ चुके हैं। ओक्टावी OS वर्जन 2.8 का अपडेट आ चुका है, आप लोग देख सकते हो। रेडक्लिफ जो मेंटेनर है पोको X2 के अपने ओक्टावी OS के, और अगस्त का सिक्योरिटी पैच है, और कर्नल देख सकते हो रेडक्लिफ वर्जन 2.13 जो कि काफ़ी पावरफुल कर्नल है, हमारे पोको X2 के लिए काफ़ी पॉपुलर कर्नल है। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि ओक्टावी OS एक इंडियन रोम है, क्योंकि इसके लीड डेवलपर्स जो हैं जो वो इंडियन है। तो आपको एक और अच्छा रीज़न मिल जा रहा है ये रोम को ट्राई करने का। और साथ ही साथ ये वीडियो पूरा देखना, मैं इस वीडियो में पूरी बात करूँगा गेमिंग कैसी इस रोम में, स्मूथनेस, परफॉर्मेंस सभी बात करूँगा इस वीडियो में। और आप एक जगह अटकोगे भी इंस्टॉलेशन में तो मैं वो भी बताऊंगा। तो फटाफट से मैं आपको टेलीग्राम पे लेकर चलता हूँ और कुछ स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ मैंने जो शेयर करे थे जो रोम इंस्टॉल किया था तब। तो देख सकते हो स्क्रीनशॉट कुछ इस प्रकार के हैं, आप देख सकते हो ऐप्स और बाकी सारी चीज़ें। और इसमें आपको लेटेस्ट अच्छे वाले वन प्लस के डायलर मिल जाते हैं, देख सकते हो कितना कूल लग रहा है ये। तो ये काफ़ी अच्छा रीज़न है इस रोम को ट्राई करने का, मुझे तो भाई ये काफ़ी पसंद आया। बाकी बैटरी और गेमिंग के बारे में मैं आगे बात करूंगा ही, तो आप ये वीडियो पूरा देखना। मैंने सुबह इसमें 1 घंटे 20 मिनट BGMI खेला, तो सारे एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगा। तो अगर आप थ्रोटलिंग टेस्ट में इंटरेस्टेड हो तो देख सकते हो एवरेज स्कोर 192 आया है, और साथ ही साथ इसमें वाइड वाइन 11 मिल जाता है। तो आपको इसमें अगर नेटफ्लिक्स या अमेजोन प्राइम देखना है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बट मैं आपको सेटिंग में लेकर चलता हूँ, देख सकते हो UI कितना कूल लग रहा है, कितना मस्त, मतलब काफ़ी बटर स्मूथ लग रहा है, और दिखने में भी काफ़ी विजुअल्स अच्छे हैं इसके। और नोटिफिकेशन पैनल आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार है, इसमें आपको FPS मीटर और रिफ्रेश रेट चेंज करने के आइकन्स इसमें मिल जाते हैं। बाकी डार्क मोड में भी ये काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी कूल लगता है। तो भाई ये काफ़ी ब्यूटीफुल रोम है, देख सकते हो कितना कूल लग रहा है ये। अभी मैं फटाफट आपको लेकर चलता हूँ डिस्प्ले सेटिंग में और आपको बताता हूँ कुछ सारे ऑप्शंस। देख सकते हो इसमें काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन मिल जाते हैं, डिस्प्ले सेटिंग में आपको बहुत सारे कस्टमाइजेशन मिल जाते हैं। और बात करें स्टाइल्स एंड वॉलपेपर्स की, तो इसमें आपको ओक्टावी का एक वॉलपेपर मिल जाता है जो कि ठीक ठाक है। और इसमें क्लॉक की बात करें तो भाई इसमें बहुत सारे, मतलब बहुत सारे क्लॉक मिल जाते हैं इसमें, आप इनका यूज़ कर सकते हो। ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा तो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। बाकी इसमें आपको एंड्रॉयड 12 वाले क्लॉक मिल जाते हैं, काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट क्लॉक मिल जाते हैं बहुत सारे, तो वो काफ़ी अच्छे हैं, तो आप उनका यूज़ कर सकते हो। तो अभी बात करते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में जो कि सिक्योरिटी सेटिंग में, जब आप पैटर्न लॉक लगाते हो तो आप एक जगह अटक जाते हो। आप देख सकते हो मैं पैटर्न लॉक सेलेक्ट करता हूँ, तो अब जब पैटर्न बनाओगे आप जो भी चाहो तो उसके बनाने के बाद आपको नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं आता। तो उसको लाने के लिए आपको क्या करना है, आपको जो दिख रहा है सेट लॉक स्क्रीन उस पर आपको टैप करना है और ऊपर की तरफ स्वाइप करना है। तो आप देख सकते हो नीचे क्लियर और नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद से आपको फिर से पैटर्न ड्रॉ करना है, तो इस पर ड्रॉ करने के बाद आप देख सकते हो फिर से नेक्स्ट आएगा, उसके बाद से आपको फिर से ऑप्शन गैप मिलेंगे, आपको नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं आता। तो आप लॉक स्क्रीन पे क्लिक करोगे और ऊपर की तरफ स्वाइप करोगे तो आपको डन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये कोई बग नहीं है लेकिन आपको बताना ज़रूरी था, तो आप इसका ध्यान रखना। सिस्टम सेटिंग में आपको पोको पार्ट्स का ऑप्शन मिल जाता है जिसमें आपको डिस्प्ले कलर कैलिब्रेशन और डिराक का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ से भी आप कुछ साउंड और डिस्प्ले कैलिब्रेशन कर सकते हो। रोम की सबसे खास फीचर की बात करें वो है ओक्टावी लैब, जिसमें आपको सारे कस्टमाइजेशंस मिल जाते हैं। इसमें आपको बहुत तरह के, मतलब क्या बोलूँ, बहुत तरह के कस्टमाइजेशन मिल जाते हैं जो कि आप इजीली कर सकते हो। और ये ओक्टावी लैब नया है तो इसमें आपको अच्छे खासे कस्टमाइजेशन मिल जाते हैं, आप देख सकते हो। स्टार बार सेटिंग में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, मतलब काफ़ी रोम में ये मिलता जुलता है पर इसमें आपको कुछ अलग से सेटिंग्स मिल जाते हैं, आप कर सकते हो। जब आप रोम इंस्टॉल करना है तो देख सकते हो, कर सकते हो। और इसमें आपको देख सकते हो लॉक, आपको क्विक पैनल में आपको क्लॉक कहाँ रखना है उसका भी ऑप्शन मिल जाता है, तो आप इसका यूज़ भी कर सकते हो, काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैंने सेंटर में रखा है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कितना अच्छा लग रहा है ये। तो इसमें आपको UI जो है ओक्टावी का, भाई मुझे काफ़ी पसंद आया, और कस्टमाइजेशन में इसमें मुझे काफ़ी पसंद आया। तो आप जब रोम इंस्टॉल करना तो ज़रूर से ट्राई करना, काफ़ी अच्छे खासे कस्टमाइजेशन मिल जाते हैं इस रोम में। ओक्टावी थीमिंग में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो आप जब रोम इंस्टॉल करना तो ज़रूर से ट्राई करना, इसमें काफ़ी अच्छा मिल जाते हैं। ब्राइटनेस स्लाइडर की बात करें तो वो भी आप इसमें चेंज कर सकते हो, ये काफ़ी कम रोम्स में मिलता है। ऑक्सीजन OS पे करने पे देख सकते हो ऑक्सीजन OS वाला आ जाता है, बाकी MIUI पे करने पे MIUI वाला आ जाता है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। तो मुझे तो मतलब मज़ा आ रहा है ये रोम को यूज़ करने में, तो देख सकते हो आप सारे कस्टमाइजेशन कर सकते हो।
वॉल्यूम पैनल में आपको काफ़ी सारे वॉल्यूम पैनल स्टाइल मिल जाते हैं, तो आप जिनका यूज़ करना चाहो कर सकते हो। काफ़ी अच्छे कस्टमाइजेशन दिए हुए इस रूम में। जेस्चर में आपको थ्री फिंगर स्क्रीनशॉट बाकी टैप टू वेक का ऑप्शन मिल जाता है, तो ये भी काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, आप इनका भी यूज़ कर सकते हो। पावर मेनू में आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो है एडवांस रिबूट का ऑप्शन नहीं मिलता है, तो ये आपको इनेबल करना पड़ेगा, उसके बाद ये काम करेगा। आप बाकी इसमें आपको लॉक स्क्रीन, म्यूजिक विजुअलाइजर से रिलेटेड भी काफ़ी सेटिंग्स मिल जाते हैं, काफ़ी कस्टमाइजेशन मिल जाते हैं, तो आप उनका यूज़ कर सकते हो, आप मज़े ले सकते हो। बाकी बात करें गेमिंग मोड की, तो इसमें गेमिंग मोड भी मिल जाता है, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। मिसलिनियस में आपको थोड़े बहुत कस्टमाइजेशन मिल जाते हैं, देख सकते हो। स्मार्ट पिक्सल आप ऑन करके बैटरी सेविंग कर सकते हो अच्छी खासी। और बात करें आपको अगर अच्छी कस्टमाइजेशन वाली रोम चाहिए विथ पावरफुल परफॉर्मेंस, तो भाई ये आपको ये रोम जरूर से ट्राई करना चाहिए, आप ये रोम जरूर से ट्राई करो, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। बात करें एक विजुअल बग की, तो देख सकते हो ओक्टावी लैब जो लिखा हुआ है उसके ऊपर स्टेटस बार का जो आइकन ओवरलैप कर रहा है, तो इसके बारे में मैंने बात की डेवलपर से, तो उनने बोला कि नेक्स्ट अपडेट में ये फिक्स हो जाएगा। अभी बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो कि है गेमिंग। तो भाई मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि एंड्रॉयड 11 का कोई AOSP वाला रोम इतना अच्छा परफॉर्मेंस देगा, तो ये परफॉर्मेंस मुझे रेडक्लिफ का कर्नल 2.13 पे मिला है, जो कि मैंने बाद में इंस्टॉल करा, और ना कि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपको 2.12 वाला मिलता है। तो आपको अगर अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए तो वर्जन 2.13 वाला कर्नल इंस्टॉल करो और मज़े से BGMI या PUBG खेलो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। कैमरा इस रोम में आपको नया मिलता है, ANX कैमरा वर्जन 191 नियो एक्स वाला मिलता है, तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, आप आराम से यूज़ कर सकते हो। बाकी सेफ्टी नेट इस रोम में बाय डिफ़ॉल्ट पास मिलता है, अगर आप मैजिक इंस्टॉल करते हो उसके बाद आपका सेफ्टी नेट पास नहीं होगा। अगर आपको करना है सेफ्टी नेट पास मैजिक इंस्टॉल करने के बाद, तो आप इजीली कर सकते हो। अगर आपको वो भी नहीं आता, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया वीडियो का, तो आप देख सकते हो सेफ्टी नेट इजीली पास कर सकते हो। तो अभी बात कर लेते हैं अगर आपका BGMI क्रैश हो रहा है मैजिक फ्लैश करने के बाद, तो आपको करना क्या है, आपको मैजिक में जाके गेम को हाइड करना है। उसके लिए आपको मैजिक पे जाना है और सेकेंड वाला ऑप्शन पे जाना है, फिर मैजिक हाइड पे जाना है और यहाँ आपको गेम दिख जाएगा, आपको गेम अनसेलेक्टेड रहेगा, आपको सेलेक्ट कर लेना है और जितने सारे ऑप्शंस आते हैं वो सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद हाइड हो जाएगा, उसके बाद आप आराम से गेम खेल सकते हो, आपका क्रैश नहीं होगा। बात करें रोम की इंस्टॉलेशन की, आपको तीन फाइल चाहिए, एक तो फॉर्मवेयर, अगर आपको Wide 1 L1 चाहिए तो आपको ये फॉर्मवेयर लगेगा, उसके बाद रोम फाइल है जिसका साइज 1.74 GB है और रेडक्लिफ कर्नल वर्जन 2.13। तो सबके लिंक मैंने दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप उसको फटाफट से डाउनलोड कर लो। करने के बाद आपको अपने इंटरनल का बैकअप ले लेना है और फिर रिबूट करना है रिकवरी में। रिकवरी में रिबूट होने के बाद आपको जाना वाइप पे, आपको सेलेक्ट करना है डेलविक डाटा और कैच और स्वाइप टू वाइप कर देना है। वाइप हो जाने के बाद आपको जाना है फाइल्स में और आपने जहां अपने रोम को डाउनलोड करके रखा है वहां पे जाना है और आपको सबसे पहले फर्मवेयर पे क्लिक करना है और स्वाइप टू इंस्टॉल कर देना है। फर्मवेयर फ्लैश हो जाने के बाद आपको बैक जाना है और आपको रोम फाइल पे क्लिक करना है और उस पर स्वाइप टू इंस्टॉल कर देना है। रोम फाइल फ्लैश होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो फ्लैश हो जाने के बाद आपको कर्नल फ्लैश करना है, उस पर क्लिक करना है और स्वाइप टू इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको जाना है वाइप पे, फिर जाना है फॉर्मेट पे और यहाँ पे यस लिखना है और इस ऑरेंज वाले आइकन पे क्लिक कर देना, आपका रोम फॉर्मेट हो जाएगा। उसके बाद आपको रिबूट पे क्लिक कर देना, आपका फ़ोन बूट हो जाएगा। फ़ोन बूट होने के बाद अगर आपको कोई भी अपडेट का ऑप्शन आता है नोटिफिकेशन पैनल पे, उसके बाद उसको करना क्या, आपको फ्लाइट मोड को ऑन ऑफ कर देना, फिर वो गायब हो जाएगा। तो बस गाइस इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको इंस्टॉलेशन में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट जरूर करना। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है Poco X2 से रिलेटेड या फिर कोई भी रोम से रिलेटेड, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, और आप यहाँ पे डेवलपर से भी बात कर सकते हो, सारे डेवलपर्स मेरे ग्रुप में हैं। तो बस गाइस इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।